नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दिग्गज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज जिले के प्राचीन मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी लामलीला मंचन के कई कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकती हैं। तो अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी और यहां पर कई मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगी। आपको बता दें कि जिले के प्राचीन मंदिरों में पहुंचेंगी, तो आज दशहरे का महापर्व और इस मौके को पुरजोर बढ़ाने की कोशिश यहां पर नेताओं की हो रही है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर रहने वाली है। अमेठी में जाकर वो कई मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे, इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी अमेठी लगातार आती रहती हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं, अमेठी वासियों से मुलाकात भी करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं, उनका हालचाल भी जानती हैं। और आज एक बार फिर से वो अमेठी का दौरा करने जा रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में हर राजनीतिक शख्सियत का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां तमाम ऐसे चेहरों को लगातार उत्तर प्रदेश में जिलों का दौरा करवा रही हैं जो प्रमुख हैं, जिनकी एक अच्छी पकड़ है। इसी कड़ी में आज स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर रहने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिले के प्राचीन मंदिरों में पूजा अर्चना करने आज पहुंच जाएंगी, और इसी के साथ ही स्मृति ईरानी लामलीला मंचन के कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर सकती हैं और रावण दहन के विशेष कार्यक्रम में भी शामिल हो सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, आज अमेठी दौरे पर आ रही हैं स्मृति ईरानी, क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके आज रहेंगे, किस समय पहुंचेंगे? रूबी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पारुल, आवाज हो रही है। बिल्कुल रूबी, देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी आती रहती हैं और आज विजय दशमी है, दशहरे का मौका है, स्मृति ईरानी आ रही हैं आज अमेठी में, क्या खास कार्यक्रम रहेंगे, किस समय पहुंचेंगी? वहाँ पहुँचकर वो सबसे पहले दर्शन करेंगी और उसके बाद दर्शन करता है वहाँ पे माँ दुर्गा की मंदिर है, वहाँ से उसके बाद वो पहुँचेंगे, वहाँ पर उनका दर्शन करेंगी। इसके साथ ही साथ अमेठी विधानसभा के पास संग्रामपुर एक मंदिर पड़ता है जहाँ पे पालकन धाम फहराया जाता है, वहाँ पे वो फिर पहुँचेंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। और पौराणिक जितने भी मंदिर है सुल्तानपुर के अमेठी के, उन सभी जगहों पर जाकर वो दर्शन करेंगी। इसके आसपास जो मुसाफिर खाना लगता है या जगदीशपुर लगता है, उन तमाम रामलीला वहाँ पे छोटे छोटे से जो तैयार किए गए तैयारियाँ हो रही है, और उसके बाद अभी यहाँ पे ऐतिहासिक रामलीला की कार्यक्रम में होंगे शामिल, और जगदीशपुर रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रामलीला होता है, वहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शिरकत करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी स्टैंड भी माना जा सकता है कि आप लगातार अमेठी दौरा कर रहे हैं, स्मृति ईरानी चाहे बहाना कोई भी हो, अब वो रामलीला में शिरकत करेंगे, मंदिर जो दर्शन होंगे, उसके बाद ये भी बताया जा रहा है वहाँ के जो लोग हैं उससे भी मुलाकात कर सकती है। बिल्कुल रूबी, लेकिन ये जो दौरा है फिलहाल तो बताया जा रहा है कि वो पूजा अर्चना करेंगी, रावण दहन में भी शामिल हो सकती हैं इस खास कार्यक्रम में, लेकिन सियासी तौर पर ये दौरा कितना अहम माना जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से सक्रिय इस बार उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। अमेठी कांग्रेस के हाथों से छीना गया, स्मृति ईरानी वहां उस पर काबिज हुई, लेकिन इस बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं। काजू, निश्चित तौर पे क्योंकि पहले से ही कब्जा माना जाता था कांग्रेस का अमेठी का, खास तौर से रायबरेली, लेकिन अमेठी में जब से स्मृति ईरानी ने एंट्री करी थी, ये कह सकते हैं शुरुआत के तौर से अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी थोड़ी जनता में दराकी जरूर थी, बाहर से आती है उसकी नहीं चली जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपना जो पैर है वहाँ की उन्होंने जमा लिया है अमेठी में। अब जो वहाँ के जनता है या ये कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी के पहुंचने के बाद से ही
एक अलग माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि पहले कांग्रेसी गढ़ माना जाता था, लेकिन अब स्मृति ईरानी के बाद से जब से वो काबिज हुई है तो अब वहां का जो माहौल है वो एक अलग देखने को मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब ऐसे में सियासत जो है वो अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के समय में पहले से ही अमेठी को सजा दिया जाता था और इंतजार होता था। कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम जगह जगह पर तैयार कर लिए जाते थे, जी हर एक चौराहे पे प्रियंका गांधी रुकती थी, साथ में राहुल गांधी पहुंचते थे, और यहाँ तक कि रायबरेली के भी यही देखने को मिलता था। लेकिन अब जब से बीजेपी का दखल हुआ है, यानी कि स्मृति ईरानी का जब से दखल हुआ है, उसके बाद से अमेठी की तस्वीरें बहुत कुछ अलग देखने को मिलती है। बिल्कुल रूबी, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी पहुंचेंगी। अमेठी में खास कार्यक्रम है, पहले तो प्राचीन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगी, उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर सकती हैं। इसके अलावा इस दौरे को सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को लेकर बीजेपी डंका पीट रही है, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। बीजेपी उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात कर रही है। हकीकत में गैस के बढ़े दामों की वजह से गरीब ना तो सिलेंडर भरवा पा रहे हैं और ना ही सिलेंडर के उनको दर्शन हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ किसानों को धोखा दिया बल्कि युवाओं को भी धोखा दिया है। लगातार जनता के बीच में इसी के माध्यम से समाजवादी पार्टी रहेगी। समाजवादी विजय रथ का मकसद यही है कि किसानों को सम्मान मिले, किसानों के साथ जो वादे किए गए थे वो वादों को याद दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल किसानों को धोखा दिया बल्कि नौजवानों को नौकरी और रोज़गार के सपने दिखाए, वो पूरे नहीं हुए, और लगातार इनके गलत फैसलों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज कानपुर में और आसपास में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया है, धीमे धीमे डीजल भी पार हो जाएगा कई जगह पर। जिस योजना का सबसे ज़्यादा प्रचार किया, उज्ज्वला योजना, आज वो उज्ज्वला योजना गरीब अपना सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। जो कारखाने उद्योग के नाम पर कारखाने उद्योग लगने चाहिए थे, वो उत्तर प्रदेश में कहीं उद्योग कारखाने नहीं लगे। बिजली महंगी हो गई और बिजली आ नहीं रही ग्रामीण क्षेत्र में। अन्ना प्रथा बुंदेलखंड में ख़त्म होनी थी, उसके लिए अरबों रुपया दिया गया, लेकिन अन्ना प्रथा अभी भी नहीं ख़त्म हुई है। सड़कों के गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए। गंगा मैया की कसम खा करके गंगा मैया को साफ करने का वादा किया था, आज सब नदियां भारतीय जनता पार्टी ने गंदी कर दी। चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे पांडु हो, या कोई नदी हो, सबको प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया और नदियों को ख़त्म कर दिया। इसलिए ऐसी सरकार जिसने जनता को धोखा दिया हो, हर वर्ग के लोग जिससे दुखी हों, उस सरकार को हटाने के लिए समाजवादी विजय रथ लगातार इसी तरह चलेगा। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने और उनके आदर्शों को धनगर समाज तक पहुंचाने के लिए धनगर समाजवादी जन संदेश यात्रा अमेठी पहुंची। इस दौरान गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति ने इस यात्रा का अपने समर्थकों के साथ स्वागत किया। इस दौरान इस यात्रा की अगुवाई कर रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव श्याम लाल पाल की अगुवाई में यहाँ यात्रा पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के कार्यालय पहुंची, जहाँ पर यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया गया। तो अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के कार्यालय पहुंची यात्रा। आपको बता दें कि इस समय समाजवादी पार्टी विजय यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रही है और ये यात्रा जो है हर एक विधानसभा तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में अमेठी पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर जोर शोर से अपना चुनावी प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। कुशीनगर के सभी तहसीलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई करने में जुटी है। ऐसे में ही हाटा तहसील के सुकरौली में स्थित सावित्री अस्पताल पर कार्रवाई करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों और परिजनों का विरोध झेलना पड़ा।
मरीजों के परिजन और स्थानीय लोगों के हंगामे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम वापस लौट गई। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ वीके मर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। ये अस्पताल भी मानक विहीन है। स्थानीय लोगों के हंगामे को देखकर ओटी को सील कर दिया गया और स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो कुशीनगर की तस्वीरें आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरी तरह से अलर्ट होकर ऐसे अस्पतालों पर छापेमारी कर रहा है जिन अस्पतालों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। तो ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग छापेमारी के दौरान पहुंचा तो परिजनों का काफी आक्रोश उसे झेलना पड़ा। तीन हाथ हमको तीन महीनों से परेशान करके रखी हुई है और मैं बताऊं, जब से ये हमने अपना बैनर पोस्टर लगाना स्टार्ट किया हर ग्रामीण एरिया में, मैंने अपना जनसंपर्क स्टार्ट किया, तब से मुझे फोन भी आता है, रवि जी आप चुनाव न लड़िए, यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो हमारा वोट काटेंगे। इधर बहुत सारे लोगों को फोन भी आता है, कई लोग तो मुझको अभी चले कहा कि चले जाते हैं, मगर मैंने कहा ऐसा कहाँ होता है। तो क्या माना जाएगा कि इसके पीछे राजनीतिक कोई कारण है? बिल्कुल राजनीतिक कारण, ये राजनीतिक दबाव है। तो यदि राजनीतिक दबाव नहीं होता तो हमारे बगल में हॉस्पिटल है, इस तरह से अभियान चला, तो अभियान के तहत तो सारे लोगों का जांच होना चाहिए, सिर्फ व्यक्तिगत। अभी हमारे पास नोटिस भी है, अभी उस समय आए थे प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा थे, एक लोग और जिले से आए थे डिप्टी सी एम, वो भी आए जांच करके गए, उनको लगभग एक महीना नहीं हुआ, फिर हमको कार्रवाई करने के लिए बताए, वो जाँच करके गए, फिर हम जाँच किए कुछ पाए नहीं, उस समय डॉक्टर साहब बैठे थे। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आज आदेश दिया गया था जिसके तहत हमने आके ये सावित्री हॉस्पिटल में अनियमितता पाई, चिकित्सक की अनियमितता होती है, जैसे मरीज के पोस्ट ऑपरेटिव देखने के लिए डॉक्टर्स नहीं थे, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, लेट्रिन हाइजीनिक नहीं था, तो हमने ऊपर के निर्देश के अनुसार उसको ओटी को सीज किया। ओटी को हम लोगों ने सीज किया है, लेकिन जो वहाँ का जो मैं अंदर खुद गया देखा, सिचुएशन काफ़ी जो है दयनीय स्थिति में है। आमतौर पर किसी भी स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है कि काफ़ी क्रिटिकल होता है, इस पर लोगों को खिलवाड़ देने का, खेलने का मतलब मौका नहीं दिया जाना चाहिए। और यहाँ के जो लोकल जनता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सुशासन को लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में ये हम लोग की कार्रवाई है, उन्हीं लोग की भलाई के लिए, यदि वो लोग सपोर्ट करेंगे शासन प्रशासन की तो हम और बेहतर अपने लक्ष्यों तक अंजाम देने के लिए। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता युवक की गोली मारकर हत्या की वारदात सामने आई। युवक जब बाइक पर सवार होकर छपरौली जा रहा था तो अज्ञात बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश मौके से फरार हो गए। कूड़ी छपरौली हाईवे पर लोगों ने लहूलुहान हालत में युवक का शव पड़ा देखा तो पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बागपत का ये पूरा मामला जहाँ पर अज्ञात बदमाशों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में युवक का शव राहगीरों ने देखा तो सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज तमाम कार्रवाई में जुट गई है। ये आज सुबह 5 बजे पुलिस को थाना छपरौली क्षेत्र में सूचना मिली थी कि ग्राम कोडी में एक शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची है। इस शव की शिनाख्त प्रदीप सनोफ राजू के रूप में हुई है। इस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आगे अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती में पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह से असफल होती नजर आ रही है। आए दिन लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला पुरानी बस्ती क्षेत्र का, जहां पर नवीन सब्जी मंडी से पैसा लेकर वापस आ रहे फल व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं संबंध में सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि व्यापारी के बैग में रखा पैसा बदमाशों की तरफ से छीनने की कोशिश की गई। पैसा छीनने में असफल होने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। घटनास्थल पर जिले के उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और FIR दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बस्ती में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन दहाड़े बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। दरअसल लूट की घटनाएं बस्ती में लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसको रोकने में पुलिस पूरी तरह से असफल नजर आती है। दिनांक 14/10/2021 को
सुल्तान अली खुद से चंडगढ़ निवासी तोरपेलिया थाना कोतवाली बस्ती जो कि मंडी समिति या मोहल्ली में आरती का कारोबार करते हैं अपनी मोटरसाइकिल पैसन से अपने घर वापस आ रहे थे तो रानी बस्ती क्षेत्र में फ्लाईओवर पर दो अज्ञात बदमाशों ने पीछे से मोटरसाइकिल से आके इनके से झोला छीनने का प्रयास किया। सफलता न मिलने पर इनको फायर मार के घायल कर दिया जिनको जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा रिफर कर दिया गया जो कि अब खतरे से बाहर है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का विजिट कर लिया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। आगरा के अजीजपुर धनौली क्षेत्र में नाले के निर्माण को लेकर धरने पर बैठे धनौली ग्राम वासियों ने मुंडन कराकर विरोध किया। वहीं किसान नेता सावित्री चाहर ने ऐलान किया है कि अजीजपुर धनौली सिरौली गांव में रोज मुंडन होगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों की तरफ से तारीख पर तारीख का खेल हर बार किया जाता है लेकिन बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने का कोई भी जिम्मा नहीं उठाता। विधायक हो या प्रशासन सब कुर्सी तोड़ रहे हैं। विकास गिराने वाली विधायिका जी ने वादा करने के बाद भी काम नहीं कराया। क्षेत्र के विधायक चुनने में हमारी सबसे बड़ी भूल हुई है। ग्रामीणों ने कहा है कि गूंगी बहरी सरकार के जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। आगरा की तस्वीरें सामने आई है और लगातार मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये धरना जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी आप अपने वाहन से आए होंगे तो आपके वाहन में भी क्षतिग्रस्त हो गया होगा कि रास्ता इतना ज्यादा खराब है, जल भराव की इतनी ज्यादा समस्या है कि पानी भरा हुआ निकासी की कोई यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे क्या प्रतिनिधियों को बताया गया? अरे प्रतिनिधियों को एक बार बताया जाए तो समझ में भी आए। 15 बार लिखित आवेदन दे चुके हैं, 5 बार मौखिक कह चुके हैं पर उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीण हेमलता दिवाकर जी का क्या कहना है? हेमलता दिवाकर जी आती हैं, वो हमारी विधायिका हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की उनको वोट दे करके, उनको जिता करके। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही उन्हें जिता करके। उन्होंने 5 साल सिर्फ हमें झूठा आश्वासन दिया, हमें अगर अच्छे शब्दों में सरल शब्दों में कहा जाए तो हमें मूर्ख बनाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के 96 स्थापना दिवस के मौके पर कहा है कि हम ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो विभाजन को चौड़ा करे बल्कि ऐसी संस्कृति हो जो राष्ट्र को एक साथ बांधे और प्रेम को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि मंदिर पानी शमशान एक हो, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज जुड़े, समाज में भेद पैदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। नई पीढ़ी को इतिहास जानना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ ही हमें विभाजन का दर्द भी मिला। बढ़ती आबादी से देश में कई तरह की परेशानियां हैं, इसलिए जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार की जरूरत है। संघ प्रमुख ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है, हर वर्ग के लोगों ने आजादी में अमूल्य योगदान दिया, अब फिर विविधता की चौड़ाई खाई बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि गांधी ने नमक उठाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी, विदेशियों ने हमारे कमजोर समाज का लाभ उठाया। एकता और अखंडता की पहली शर्त है मजबूत समाज का होना। बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज बॉलीवुड की एक और मशहूर हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करने की तैयारी की है। इन दोनों अभिनेत्रियों से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की जा रही है। दोनों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुका है। दोनों से तिहाड़ जेल से की गई 200 करोड़ रुपए की उगाही मामले में पूछताछ की जा रही है। नौरा से ईडी ने लगभग 7 घंटे पूछताछ की थी। फिल्मी जगत की दो मशहूर हस्तियां नौरा फतेही और जैकलिन दोनों ने ही अपने अंदाज से फिल्मी दुनिया में खूब धूम मचा रखी है। गुरुवार को नौरा फतेही काली ड्रेस पहनकर दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंची। नौरा ने खुद को समन किए जाने के बारे में मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया। नौरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस से तिहाड़ जेल के अंदर बंद सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से की गई 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत पूछताछ की जा रही है। सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना दोनों एक समय ईडी की रिमांड पर थे और अब भी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी सूत्रों का दावा है कि इनका आमना सामना नौरा से भी कराया गया और अगर आज जैकलिन पेश होती हैं तो उनका सामना भी इनसे कराया जा सकता है।
चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में गढ़वाल का पहला सीएनजी पंप खुल गया है, जिसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया। सीएनजी पेट्रोल पंप के खुलने से सैकड़ों वाहनों के संचालनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अभी तक सीएनजी से संचालित वाहनों के चालक सीएनजी भरने के लिए वाहनों को हरिद्वार और देहरादून ले जाते थे, ऐसे में उनके समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती थी। वहीं सीएनजी के वाहनों के चलने से पर्यावरण संरक्षण भी मजबूत होगा। तो ऋषिकेश में पहला सीएनजी पंप का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि यह गढ़वाल का पहला सीएनजी पंप बताया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया है। इससे आम जनता को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, वरना लोगों को काफी किलोमीटर दूर जाना पड़ता था सीएनजी भरवाने के लिए, ऐसे में उनका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद हुआ करता था। लेकिन अपने ही क्षेत्र में अब सीएनजी पंप का उद्घाटन होने के बाद लोगों को राहत मिल सकती है। ऋषिकेश चार धाम का मुख्य पड़ाव है और यहीं से मैं सोचता हूँ कि चार धाम की यात्रा शुरू होती है। और ऋषिकेश में इस तरह सीएनजी का पहला पेट्रोल पंप की शुरुआत होना, ये निश्चित रूप से यात्रा के दृष्टिकोण से भी, यात्रियों के दृष्टिकोण से भी और ऋषिकेश के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। और विशेष करके जिस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, और मुझे खुशी है कि क्योंकि मेरे पास पर्यावरण मंत्रालय भी है और पर्यावरण मंत्री के रूप में जब मैं इस सीएनजी पेट्रोल पंप का शुभारंभ कर रहा हूं, तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि जितना अधिक सीएनजी के पेट्रोल पंप होंगे उतना पर्यावरण मैं सोचता हूँ कम दूषित होगा, तो इससे सबको ही फायदा है। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में बाइक पर भांजे के साथ बच्चे को ट्यूशन से लेकर लौट रही महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की और छेड़छाड़ की। महिला के भांजे के विरोध करने पर दबंगों ने महिला और उसके भांजे को जमकर पीटा, जिसके बाद वहां पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला और उसके पति ने थाने में जाकर पुलिस से शिकायत की, तो पुलिस ने महिला का साथ देने की बजाय उससे और उसके पति से बदसलूकी की है और कार सवार दबंगों का साथ देती नजर आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ से, जहां पुलिस ने दबंगों का साथ दिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने भांजे के साथ अपने बच्चे को ट्यूशन से लेकर लौट रही थी, तभी दबंगों ने उसके साथ बदतमीजी की है, मारपिटाई की। किसी ने वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। लेकिन जब महिला का पति शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा, तो पुलिस ने भी शिकायत दर्ज नहीं की है, उल्टा महिला और पति के साथ बदसलूकी करती नजर आई। तो मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कार सवार दबंगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब महिला अपने पति के साथ इसकी शिकायत दर्ज कराने पहुंचती है, तो पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, नज़रअंदाज कर देती है, उल्टा कार सवार दबंगों के साथ देने की बात कहती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।